हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। आप सबकी फरमाइश पर मैं लेकर आई हूँ मूली गाजर के अचार की रेसिपी, जो कि ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। जब भी मैं वीडियो में अचार खाती थी मूली गाजर का, तो मुझे ज़रूर कमेंट आता था कि दीदी मूली गाजर के अचार की रेसिपी दो। तो देखिए बस गाइज, वही मैं आज बनाने जा रही थी। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो पिछली बार बनाया था ना, वो ख़त्म हो गया है। बहुत ही अच्छा अचार बना था। तो ये देखिए गाइज, मैंने ली है 2 किलो मूली और मैंने ली है 1 किलो गाजर। हमारे घर में ना मूली का ज़्यादा खाते हैं, गाजर का कम पसंद करते हैं। बस थोड़ा मैं डालती हूँ कि हाँ थोड़ा अच्छा लगे देखने में मूली गाजर को मिक्स। तो देखिए मैंने छील ली है सारी मूली और गाजर, और धो के ना मैं इनको काट लूँगी ऐसा। आप ना इनको गोल गोल भी काट सकते हो और लंबा लंबा भी काट सकते हो। तो मुझे ना बस ऐसा ही अच्छा लगता है, मैं ना ऐसा ही काटती हूँ इनको लंबा लंबा। और सारी मैं काट के ना इसमें नमक लगा के रख लूँगी। आप चाहो तो तुरंत के तुरंत भी बना सकते हो, लेकिन मैं ना नमक में रचा कर तब डालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो मूली गाजर में जो पानी होता है ना, वो सारा पानी निकल जाता है। और अगर हम नमक में नहीं रचाते हैं तो फिर पता है क्या होता है बाद में, जब हम अचार डालते हैं ना तो उसमें ना पानी पानी हो जाता है। तो देखिए गाइज, मैंने पूरी मूली गाजर काट ली है और ये देखिए अभी तो कितना सारा लग रहा है ना, लेकिन पानी जब इनका निकल जाएगा ना तो ये ना बहुत थोड़ी सी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसमें 3 चम्मच नमक डालकर ना खूब अच्छे से उछाल कर और इसको ना मैं ढककर रख दूंगी 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो बस जब 1.5-2 घंटे हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इसको देखूंगी। तो ये देखिए गाइस, 1.5 घंटा हो गया है और ये देखिए मूली कितनी कम हो गई है ना, और ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। अगर आप बिना नमक के तुरंत बनाते हो ना अचार, तो ये सारा पानी ना फिर बाद में निकलता है जब हम अचार बना लेते हैं ना। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप भी बनाना। तो देखिए गाइज, मैं ना इनको अब निचोड़ लूँगी। झरनी मैंने ले ली है, बस सारा पानी इनका निकाल लूँगी और इनको ना मैं एक बार नीचे ही कपड़े से पोंछ लूँगी। थोड़ी देर तो मैं झरनी में ही रख दूँगी ताकि इनका ना पानी अच्छे से निचड़ जाए बिल्कुल, ताकि इनको ज़्यादा टाइम ना लगे सुखाने में। और इनको ना हमें ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस इनका पानी सुखाना है। तो देखिए गाइज, मैं आ गई हूँ छत पर। मैंने फोल्डिंग पलंग पर डाल दी है अपनी, और इनको ना बस 1 से 2 घंटे की धूप ही लगानी है, जिससे कि इनका जो पानी है ना वो हो जाए। अगर आप इनको ज़्यादा सुखा देते हो ना, तो फिर पता है क्या होता है, अचानक टाइट हो जाता है एकदम, तो वो ना थोड़ा कचर कचर करता है, तो अच्छा नहीं लगता है टाइट टाइट अचार। तो देखिए मैंने सारी मूली और गाजर सुखा दी है। तो ये देखिए जी, मैं उतार के भी ले आई हूँ एकदम से। बस हमें इतना सुखाना है कि बस इनका पानी सूख जाए। तो चलिए अब चलते हैं अचार बनाने। मसाला देख लेते हैं, मसालों में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जी देखिए, मसाले मैंने निकाल लिए हैं। 1 चम्मच मैंने ली है सरसों, और 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा, और 1 चम्मच ली है मैंने सौंफ, और 1 चम्मच ली है मैंने अजवाइन, और मैंने 10-15 ली है काली मिर्च। ये सब मसाला ना आप अपने अचार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मूली गाजर का अचार डाल रहे हो। तो गाइज़, हमें ना बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे कि ये ना अच्छे से पिस जाए। और ये देखिए गाइज, राई नहीं डाली थी ना मैंने उसमें, तो ये राई ना मेरे पास पिसी हुई रखी थी। तो ये मैंने 1.5 चम्मच उसी मसाले में डाल ली है, जो मैंने मसाला भूना था ना सारा, तो वही मसाले में मैंने राई भी मिला ली है। और हल्दी, धनिया, मिर्ची ले लिया है, जो जो इसमें डलेगा। यही इसमें 4 मसाले डलते हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं डलता है, और बस नमक डलेगा। तो देखिए गाइस, कढ़ाई रख दी है गैस पे, तेल डाल दिया है। तेल भी आप अपनी मूली गाजर के उससे ही डालेंगे कि आप कितना सामान ले रहे हैं। तो देखिए तेल खूब अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने डाल दी है 1 चम्मच हल्दी और गैस कर दी है बंद। और मैं ना अब इसमें सारी मूली गाजर डाल दूंगी। और पहले ना गाइस, मैं अलग तरीके से बनाती थी, परात में मिलाती थी, लेकिन आजकल यही मुझे ठीक लग रहा है कढ़ाई में ही। तो देखिए मैंने पहले हल्दी डाली है, और अभी कुछ भी मसाले नहीं डाले हैं इसमें, बस मैंने मूली गाजर इसमें डाल दी है। और इनको ना खूब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, फिर जाके मैं सारे मसाले इसी में डाल दूँगी। और गैस ना मैंने बंद कर दी थी। तो ये देखिए, ये ना वो मसाले हैं जो मैंने भुने थे, सारा मसाला इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना धनिया पाउडर, और बस वही हल्दी डलेगी इसमें, और लाल मिर्ची डलेगी। मिर्ची भी आप अपने हिसाब से डालें, मतलब मसाले आप अपने सामान के हिसाब से ही डालें, जितनी आप मूली गाजर ले रहे हो उसी हिसाब से आप डाल लेना।
तो देखिए मम्मी डाल रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, तो 2 चम्मच डाली है इसमें लाल मिर्ची और 2 ही चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच हल्दी, और अब डाल दिया है इसमें नमक। और गाइज आपको ना नमक देखकर डालना है क्योंकि नमक में हमने पहले भी रचाया था। तो ये देखिए गाइज एकदम से बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है, बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। तो देखिए गाइज इसको ना हमें अभी डब्बे में नहीं भरना है, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में रिता लिया है क्योंकि मुझे ना उस कढ़ाई की ज़रूरत थी। तो मैं ना इसको जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब भरूँगी। तो मेरा अचार ना अभी बिल्कुल रेडी है। तो गाइज आपको कैसी लगी अचार की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ कल, बाय बाय।